हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो साथियों, काफ़ी बच्चे बहुत दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर एनए का जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है एनए भर्ती का, वो कब आएगा। तो साथियों, एनए की नोटिफिकेशन भी आ चुका है जगह जगह का, लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ जेड आर ओ जयपुर के, जो जेड जयपुर है उसके नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, इसके कब से कब आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कितनी फीस लगेगी और इसमें कितनी एजुकेशन रखी गई है, क्या इसमें मेडिकल है, क्या आपका फिजिकल है, वो सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको दूंगा। लेकिन भाई, उससे पहले आप यार, एक तो क्या है, आजकल बड़ी कंजूसी करते हो, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, अभी भी मैं कहीं घर से बाहर जॉब पे आया हुआ हूँ, तभी आप देख पाओगे मेरा बैकग्राउंड की मेरे घर का बैकग्राउंड नहीं है, मैं कहीं अपने कम देर से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए टाइम निकाल करके, ठीक है। तो यार, एक कम से कम आपके जो लाइक करते हो उससे हमें हौसला अफजाई होता है हमारा, हमें लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी सफल हो रही है और हमारी बात काफ़ी बच्चों तक पहुँच रही है, जो बच्चे उसको लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद अभी आर्मी में भर्ती होना चाहते हो, लेकिन हम आर्मी वालों को लाइक नहीं करते, तो ये तो कोई यार बात नहीं हुई ना। तो जब खुद ही आप आर्मी मैन बनना चाहते हो तो आर्मी वालों को लाइक तो करो कम से कम यार, है कि नहीं। तो ठीक है, अभी बाकी करें ना करें भैया आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपका मोटिवेशन करता रहूँगा, आपके लिए मोटिवेट वीडियो लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की जानकारी की तरफ। और जिस भाई ने चैनल को अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे कोई वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, ये है जेडआरओ जयपुर का नोटिफिकेशन निकला है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक चलेगी दोस्तों। और ये बात बता दूं मैं, ये भर्ती परमानेंट है, ठीक है, ये कोई अग्निवीर की भर्ती नहीं है, ये भर्ती परमानेंट है, फिक्स, या वो आपके ऊपर कम डिपेंड करता है, यानी कम से कम 17 साल तो आप करोगे सिपाही की ड्यूटी, बाकी आप नायब हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार बनोगे तो उसके हिसाब से आपकी सर्विस बढ़ती हुई चली जाएगी, ये परमानेंट भर्ती है भैया, ठीक है। तो ये मैं बता दिया आपके पास, उसके बाद क्यों पहले था कि आपको ये डाउट था कि यार अग्निवीर में ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। अभी ऑल आर्मी यानी अग्निवीर की जो परमानेंट भर्ती भी हैं, सॉरी आर्मी की जो परमानेंट भर्ती हैं, वो चाहे नर्सिंग असिस्टेंट की है, रिलीजियस टीचर्स की है, या सैक हवलदार की है, या एजुकेशन हवलदार की है, या सिपाही फार्मा की भर्ती है, या कैटरिंग जेसीओ की है, जितने भी ऑनलाइन भर्ती हैं इसकी जो परमानेंट भर्ती हैं, सभी का ऑनलाइन पेपर ही होगा सबका अभी, ठीक है, सबके लिए ये नियम लागू हो गया है। तो चलते हैं अभी इस भर्ती के जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, इसकी जो दो चीज़ बता दी मैंने, उसके बाद जो फीस भी लगेगी इसकी 250 रुपये फीस भरनी है आपने, और जो इसका बैंक चार्ज है वो भी आपको लगेगा, 10-20 रुपये जो लगना होगा लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये भर्ती है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, यानी कि जहाँ पर हमारे घोड़े खच्चर होते हैं और जो डॉग यूनिट होती हैं उनके अंदर भी नर्सिंग असिस्टेंट होता है, उसको नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी बोला जाता है, और जो हमारे इंसानों को जो इलाज करते हैं वहाँ पर असिस्टेंट होते हैं, उनको बोलते हैं टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी बात करेंगे रिक्रूटिंग प्रोसेस, यानी आपका ये रिक्रूटिंग प्रोसेस किस टाइप से होने वाला है। तो दोस्तों, इसका दो चरण है, इसके पहला फेस है, दूसरा फेस है। तो पहले फेस में आपका इसमें ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, जिसको CBT बोल सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको ज़्यादातर, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपने उसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आपने जो सही है उसको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी इसमें बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है, मेन चीज़ है, वो है एज लिमिट, यानी इसमें एज कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें एज रखी गई है 17.5 साल से लेकर के 23 साल, और इसमें फिक्स डेट दे रखी है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, इन दोनों डेटों के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वही बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है हाइट का, कि सर इसमें हाइट कितनी है। तो दोस्तों, इसके अंदर हाइट है 170 सेंटीमीटर हाइट उसमें दी हुई है। और जो बात करें अगर वजन की, तो दोस्तों वजन में क्या होता है, आर्मी के अंदर जब हमारा भी मेडिकल होता था तो एज पर इसमें हाइट और एज, यानी कितनी आपकी हाइट है और कितनी आपकी उस टाइम पर एज है, उन दोनों चीज़ों को निकाल करके जो कैलकुलेशन करके जो आपका वजन आएगा, वो वजन इसमें लिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों चेस्ट की। तो दोस्तों, इसमें चेस्ट रहने वाला आपका अपना 77 यानी 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और फुलाप की इसमें बात नहीं करिए, तो वैसे ज़्यादातर 5 सेंटीमीटर फुलवाते हैं, तो अगर फुलाने की बात करें तो 77 to 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही दोस्तों बात करेंगे इसमें एजुकेशन की, यानी आपको इसमें पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए, आपने कौन कौन सी डिग्री ले रखी है या पढ़ाई कर रखी है जब इसमें फॉर्म आप भर पाओगे। तो सोचो, सबसे पहले इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, यानी 10+2, उसके बाद विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, इसमें आपके 50% एग्रीगेट मांगा गया है और 40% ई सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये एजुकेशन आपके चाहिए दोस्तों टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। अगर वहीं आपने फॉर्म भरना नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए, तो उसकी एजुकेशन ये रही, उसमें भी आपको 10+2 चाहिए। उसके बाद उसमें आपको दोस्तों
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो चाहिए, उसके साथ में बॉटनी जूलॉजी ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजी भी चाहिए। इसमें भी सेम है, 50% आपका एग्रीगेट लगने वाला है और 40% आपका इस सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। अभी साथियों बात करेंगे इनके फिजिकल की। तो दोस्तों एक्चुअल में दूसरी भर्तियों में क्या होता है, उसमें ग्रुप बनता है, उसमें बैच बनता है कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप और इतने से इतने मिनट तक तो आपको इतने नंबर दे जाएंगे। इसमें क्या करना है आपका, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, जो रनिंग है आपकी 1.6 किलोमीटर होने वाली है और उसमें दोस्तों आपका 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। तो आपने 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आप आ जाओगे तो आपको क्वालिफाई यानी पास मान लिया जाएगा। फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम का इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है नीड टू क्वालिफाई, सिर्फ आपको यानी क्वालिफाई करने की ही जरूरत है, फर्स्ट या सेकंड ग्रुप वहाँ पर कोई बनने वाला नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे चिन अप पुल अप या बीम कह सकते हैं उसको। तो बाकी में क्या होता है, जब आप 10 लगाते हो तो आपको वहाँ पर 40 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर भी आपको सिर्फ पास होना है, कोई नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन पास होने के लिए कम से कम 6 तो आपको मारने ही पड़ेंगे। उसके बाद जिग जिग बैलेंस है और 9 फिट डिच है, वो भी आपने क्वालिफाई है, वहाँ पर कोई नंबर मिलने वाला नहीं है साथियों। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं आपके इंसेंटिव, यानी कि आपको और कौन कौन सी छूट इसमें दोस्तों मिलेगी, यानी अगर आप किसी सर्विसमैन के बच्चे हैं या आपके फादर अभी पेंशन आ गए उसके बच्चे हैं, या आपका भाई अभी सर्विस कर रहा है या पेंशन आ गया है उसके बच्चे हैं, तो आपको कौन कौन सी छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इसको इसके अंदर 200 नंबर का पेपर होगा और उसमें से आपको 20 नंबर बोनस मार्क के तौर पर दिए जाएंगे। अगर आप किसी SOS सर्विसमैन के बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, या आपके फादर किसी चीज़ में शहीद हो गए हैं उसके, यानी किसी विधवा के बच्चे हैं, तब भी आपको यानी कि यह छूट दी जाएगी। अगर बात दोस्तों वहीं करते हैं स्पोर्ट्समैन, अगर आप पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर की छूट मिलेगी, नेशनल का है तो आपको 15 की मिलेगी, स्टेट लेवल का है तो 10 की मिलेगी, और उसको जिला का है तो आपको 5 नंबर की छूट भी यहाँ पर साथियों दी जाएगी, अगर आपका स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट लेकिन होना चाहिए, वो भी 2 साल से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों NCC सर्टिफिकेट की। जिन बच्चों के पास NCC का सी सर्टिफिकेट है उनको ए, जिसके पास ए है उसको 5, बी के 10 और सी वाले को 15, और जिसके पास सी सर्टिफिकेट भी है और उसने RDP यानी रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया तो उसको 20 नंबर बोनस मार्क के तौर पर मिलेंगे। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट की, लेकिन डॉक्यूमेंट की मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है उसका मैं इसमें लिंक दे दूंगा, वही डॉक्यूमेंट इसमें सारे लगने वाले हैं ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी जानकारी जो काफ़ी बच्चे बीएससी का इंतजार कर रहे थे वो उसमें फटाफट फॉर्म ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, तो जल्दी से आप फॉर्म भरिए और अपने सपनों को दोस्तों कीजिए साकार। अभी भी वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो दोस्तों फर्स्ट क्लास जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें जिससे और जरूरतमंदों को पहुंचे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें मेरे प्यारे भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।